हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी माहिर पे। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने YouTube चैनल का नाम कैसे चेंज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने यूट्यूब का नाम जो होता है वो चेंज कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, और जितनी चाहे उतनी बार कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड बार, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करते हैं उस स्टेप को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन लेटेस्ट जानकारियों की वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो डरिए मत दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ना कि एक भी पैसा दिए, और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपके मोबाइल में जो सिक्योर ब्राउज़र है, जो मतलब इंस्टॉल किया ना हो, जो पहले से मोबाइल में अवेलेबल हो, जैसे कि खासतौर पे क्रोम। मैंने क्रोम ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो आप ऐसे क्रोम हो तो क्रोम को ओपन करिए। क्रोम में ओपन करने के बाद आप गूगल पे आइए, फिर यहाँ पर सर्च कीजिए जीमेल लॉगिन। यहाँ पर मैंने सर्च किया है रिसेंट में, देखिए। तो इसको मैं टाइप करता हूँ, अपना खुल रहा है, इधर नीचे खुल गया। तो ये जिम गूगल लॉगिन दे रहा है, इसको खोलते हैं। ये देखिए, हमारा जीमेल लॉगिन हो रखा है पहले से ही, तो इसलिए ये इंटरफेस आ गया, खुल गया है हमारा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मतलब लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो हम यूट्यूब पर जाते हैं, यहाँ पर यूट्यूब है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ओपन विद करते हैं क्रोम से ही। आगे क्रोम में यहाँ पर जहाँ राइट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में दिख रहा है आपको 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप साइड, आप इस पर क्लिक करेंगे। ओपन हो रहा है। तो ओपन होने के बाद थोड़ा सा भाई, आप 2 फिंगर यानी 2 उंगलियों की सहायता से आप जूम करेंगे, ऐसे 1-2 बार ट्राई करिए, पड़ जाएगा ऊपर नीचे करके। देखिए अभी लग नहीं रहा अच्छे से, अब हो गया हमारा जूम हो गया। फिर यहाँ राइट साइड सबसे ऊपर कॉर्नर में अपने यूट्यूब के पिक्चर पे क्लिक कीजिए। हमने क्लिक किया और ये हमारा योर चैनल लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं, खुल रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे लेफ्ट साइड, यहाँ जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में दिख रहा है 3 लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको इसमें जाना है सेटिंग में, तो सेटिंग क्लिक करते हैं। फिर हमारे ये खुल गया सेटिंग, और यहाँ आप देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा एडिट ऑन गूगल, ये रहा बीच में, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक हो गया, हमारा खुल रहा है नेक्स्ट पेज। थोड़ा नेटवर्क स्लो होने की प्रॉब्लम लग रही है ना, तो ये खुल गया। अभी यहाँ पे नेम एडिट आ गया है, आप तो यहाँ पर जूम करके या AHIR को चेंज करता हूँ, कैपिटल लेटर में करता हूँ, फिर ओके करता हूँ, फिर से ओके करना पड़ेगा। फिर देखिए फाइनली नोटिफिकेशन आ रहा है, तो चेंज नेम पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा यूट्यूब का नाम फाइनली चेंज हो गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्किप करने से पहले आप ये तो जान लीजिए कि मतलब यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना सही होगा या गलत होगा, उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नुकसान के बारे में। दोस्तों मान के रखिए कि एक हमारा कोई चैनल है जिसका नाम है माई यूट्यूब, ठीक है, जिसका नाम है माई यूट्यूब, और मतलब ये पहले से चला रहे हैं हम। अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है, मन कर रहा है चेंज करने का, तो नाम चेंज करते हैं। तो उसका नाम चेंज करके क्या रखते हैं, माई गूगल। तो यार माई यूट्यूब का चैनल जो था वो ट्रेंडिंग में था, मान लीजिए ट्रेंडिंग में था, तो उसको लोग पसंद करते थे, अच्छे खासे चल रहा था, वो ग्रोथ कर चुका था यूट्यूब चैनल। तो हमने चेंज करके नाम रख दिया माई गूगल। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी कि आपके जो चाहते हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, जो वो सर्च करेंगे माई यूट्यूब को, तो माई यूट्यूब सर्च करेंगे और उनको नहीं पाएंगे, तो दुखी होकर स्किप कर सकते हैं अपने उस चैनल को। और आप रखे होंगे माई गूगल, तो माई गूगल को नया होगा ना, उस पर नया होगा तो मतलब आपका चैनल भले ही ग्रोथ कर चुका है, नाम चेंज है, लेकिन वो नया होगा तो
आपके चाहते जो सब्सक्राइबर हैं वो पसंद नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि ये कौन सा नया आ गया, ये कौन सा नया यूट्यूबर आ गया भाई, हमारा माय यूट्यूब वाला कहाँ है। तो यार माय गूगल वालों को पसंद नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जिससे आपका चैनल ग्रोथ करना बंद कर सकता है और वहीं पर रुक सकता है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और रही दूसरी बात जो कि फ़ायदे की बात है, अगर आपका वही चैनल मान लीजिए माय यूट्यूब चैनल है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है और आपके मन में आया कि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है माय गूगल, ये ट्रेंडिंग कर सकता है हमारा चैनल, तो आपने चेंज करके नाम रख दिया माय गूगल, तो अगर ट्रेंडिंग में है ये शब्द ट्रेंडिंग में है तो इसको रखते हैं आप, तो ये लोग देखेंगे तो पसंद करेंगे, जाया जी उस पर कुछ अच्छा टॉपिक मिलेगा तो पसंद करेंगे, आप अच्छे टॉपिक डालने की पूरी कोशिश करें जिससे आपका चैनल ग्रोथ होगा तो वो पसंद करेंगे, ऐसे में उसको सर्च करेंगे माय गूगल या मतलब उस टॉपिक को सर्च करेंगे तो आपका चैनल आएगा, तो जायज है कि वो चैनल ग्रोथ कर सकता है, मतलब जो ट्रेंड है भाई लोग तो उस ट्रेंड को सर्च करते हैं तो उस ट्रेंड पे देखेंगे अच्छी चीज़ मिलेगी तो लोग ज़रूर ही उस पर देखने चाहेंगे रुकेंगे, तो इससे आपका चैनल ग्रोथ कर सकता है। तो आप सोच समझ के अपना YouTube चैनल का नाम चेंज करिएगा। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि हमारे YouTube चैनल पे ऐसे टेक्नोलॉजी और टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लगातार आते रहते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, ताकि वो जानकारी फटाफट आपको मिले और अपना किसी भी मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, लव यू ऑल।